ये भी ब्लू फिशर इनटू अल्बाइनो रेड आइज। माशाल्लाह, यानी कि माशाल्लाह का मच्छर बर्ड पे आपने ज्यादा जोर दिया होगा। ये वाला पेड़ भी सेम है? जी जी, ये अल्बाइनो ही है सारे। माशाल्लाह। और इसके साथ मुजम्मल भाई, ये भी अल्बाइनो का पेड़ है। अल्बाइनो रेड टू स्प्लिट, स्प्लिट का पेड़ है। सही। और ये वाला? ये भी स्प्लिट का पेड़ है। माशाल्लाह। जी, लेइंग आई हुई है माशाल्लाह सबकी। माशाल्लाह, साइज में भी खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ बर्ड में खुश आमदीद। वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा। जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम, फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं नाइस पर्सनैलिटी मोहम्मद मुजम्मल शेख के पास। चले आए, इनसे मिलते हैं और इनके शौक के बारे में इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स का भी शौक बहुत अच्छा जा रहा होगा। जी जी, बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छा शौक जा रहा है और मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी मुजम्मल भाई, फर्स्ट पे तो हमें ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं माशाल्लाह से MBA किया हुआ मैंने ना। माशाल्लाह जी, तो आपका जो बिजनेस है, कारोबार है, वो किस चीज़ का है और क्या करते हैं आप? बेसिक मेरा जो कारोबार है ना, वो कंस्ट्रक्शन का है जी। मैं घर वगैरह बना के ना उनको सेल आउट करता हूँ। सही। और साथ मेरा गाड़ियों का काम है, यूज्ड कार्स और न्यू कार्स का थोड़ा काम है, मैं उसका बिजनेस करता हूँ। माशाल्लाह, आपका तो बहुत अच्छा कारोबार है जो कि कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला और ना मुकने वाला है। जी जी बिल्कुल, और ये हर वक्त ही रहता है। जी जी माशाल्लाह से बिल्कुल सही बात। तो उसके साथ आप बर्ड्स को कैसे मैनेज करते हैं? आपका बर्ड्स का शौक आपको कैसे पड़ा और कब से है? बेसिक मुझे ना बर्ड्स का शौक बचपन से ही है। कभी कबूतर रखे, कभी चूजे रखे, कभी पैरट्स रखे, लेकिन अब मैं इसको जो लगातार अपना शौक को बढ़ाया ना, ये इसको तकरीबन साल हो गया, एक साल हो गया। सही। तो माशाल्लाह मैंने पैरट्स रखे हुए हैं। सही। इसमें लबर्ड हैं, डव है, जावा है। जी। मुझे बर्ड्स का बहुत शौक है। सही। तो आपने लव बर्ड में कौन कौन सी क्वालिटी रखी हुई है? माशाल्लाह से लव बर्ड में मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ रखी हुई हैं। कुछ कमर्शियल आइटम हैं, कुछ वैसे म्यूटेशन है अच्छी। सही। इसमें जो मैंने लव बर्ड में रखे हुए हैं, वो ज़्यादातर मेरे पास डेकिनोस, क्रीमिनोस, अल्बाइनोस जी, पार्ब्लू स्प्लिटिनोस जी, साथ में इसके मैंने पेल फेलो रखे हुए हैं स्प्लिट के, यानी कि हॉट आइटम आपने रखी हुई है। जी जी बिल्कुल, सारी हॉट आइटम रखी हुई है। माशाल्लाह। ओपलाइन है, मिस्टी का है जी, स्लेटी है, मिस्टी ओपलाइन है, जबरदस्त। माशाल्लाह, और बर्ड्स आ रहे हैं मेरे नाम। माशाल्लाह जी, तो जो आपने जावा वगैरह रखी है और डव रखी है, वो कौन कौन सी हैं? जावा मेरे पास है सिल्वर जावा, वाइट जावा और ग्रे जावा। सही। और फान जावा। जबरदस्त। और जैसा कि आपने बताया, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है, तो आपको बर्ड्स को कैसे मैनेज करते हैं? बर्ड्स के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, इनके लिए मैं एक लड़का भी आता है जी, वो रखा हुआ है, तो मतलब कि मैं इसको लेकिन फिर भी खुद ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है इसका बहुत ज़्यादा। सही। तो मेरी इससे साइड इनकम भी अच्छी बन जाती है। सही, माशाल्लाह। तो आपने जावा भी रखी है, डव भी रखी है, लव बर्ड भी रखे हैं, आप सबसे ज़्यादा किस बर्ड्स को पसंद करते हैं या किसको फेवर देना चाहेंगे कि आप ज़्यादा ये रखें? देखें, डव भी ठीक है, जावा भी ठीक है, लव बर्ड भी ठीक है, लेकिन लव बर्ड ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ा ना मज़े का बर्ड है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी मुजम्मल भाई, जैसे कि मुझे तो आपके स्टेटस शो होते हैं, आपने नया एक स्टेटस लगाया हुआ था रिसेंटली, उसके बारे में बताया कि वो कौन सा बर्ड है और इसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि आप बर्ड्स के ऊपर बर्ड्स ही बर्ड्स ले ही जा रहे हैं? जी, वो जो है ना मेरा नया पेयर जी, वो मैं लाहौर से मोहम्मद अवैस इलियास से लेके आया हूँ। लाहौर के बड़े अच्छे ब्रीडर, यूट्यूबर और बड़ी हेल्प करने वाले बंदे हैं ना। जी बिल्कुल। उनसे मैं पेयर जो लाया हूँ ना, वो है ग्रीन स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट ओपलाइन, स्प्लिट पेल फेलो जी। उसके साथ जो हैन है जी, वो है ब्लू फिशर स्प्लिट पेल फेलो।
माशाल्लाह जी। ये आप उनसे रिसेंटली जो जी मैं उनसे लगाया हुआ था उनसे रिसेंटली लेके आऊँ, ये माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है। सही, तो इंशाल्लाह अब इसको रिसेंटली अभी बॉक्स लगाएंगे हम ना। सही माशाल्लाह। तो आपके जो पहले वाले बर्ड्स हैं आपने उन्हें बॉक्स दे दिए हुए? जी माशाल्लाह से तकरीबन सारे ही पेयर्स को दे दिए हैं, कुछ पेयर्स की ये थोड़ी कम थी उनको अभी बॉक्स नहीं दी। सही, तो इस सीज़न में लेंग वगैरह का क्या सीन है? इजीली आ गई है कि पिछली दफ़ा तंग होना पड़ा है, इस दफ़ा तो नहीं होना पड़ा? नहीं नहीं माशाल्लाह से लेंग बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है इनका ना। माशाल्लाह। तो आप अपने बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम जो ब्रीड से पहले यूज़ करवाते हैं वो आपने कौन सा कोर्स करवाया इनके? उसमें इनकी बेसिकली डीवर्मिंग कराई है ब्रीड से पहले जी, और सारे कैल्शियम जो भी यूज़ होते हैं वो सारे प्रोटीन कैल्शियम ये वो सारे वो सो फूड के साथ चलते रहते हैं। सही माशाल्लाह। यानी कि अब आपके जो पेड़ हैं वो सारे के सारे लेंग के ऊपर हैं? जी माशाल्लाह सर, सारे लेंग पे है। इंशाल्लाह अब हैचिंग एक हफ्ते तक हैचिंग भी शुरू हो जाएगी उनकी। अल्लाह पाक रहमत करे, आपकी जितनी सोच है उससे अल्लाह पाक आपको डबल नवाजे। आमीन, हमारी दुआ है। और हमें हमारे व्यूअर्स को अपना सेटअप विज़िट करवाएं। जी आइए मैं आपको अपना सेटअप विज़िट करा देता हूँ। जी मुजम्मल भाई अपना सेटअप विज़िट करवाएं। जी माशाल्लाह से ये देखिए मेरे ये अल्बाइनो के पेयर हैं जी। ये अल्बाइनो रेड टू स्प्लिट है कि स्प्लिट टू स्प्लिट? ये स्प्लिट के पेयर हैं। सही, तो इसमें रेड आइज आपको आए हैं? रेड आइज बिल्कुल आए हैं मुझे पिछले साल काफ़ी। माशाल्लाह। और इसके साथ नीचे? नीचे भी स्प्लिट का पेयर है। ये भी स्प्लिट का पेयर है अल्बाइनो। ये डकीनो इनटू अल्बाइनो का पेयर है माशाल्लाह। ये पेयर काफ़ी क्रीमिनो निकालता है, मेरा बेस्ट पेयर है। इसी तरह नीचे डकीनो और अल्बाइनो माशाल्लाह बॉक्स लगे हुए। लेंग भी आप बता रहे थे कि आज भी लेंग भी आई है अभी, ये अंदर बैठे हुए हैं जी। बिल्कुल माशाल्लाह फुल टाइम दे रहे हैं। जी जी डकीनो एंड टू अल्बाइनो, ये भी स्पिट का पेयर है। अच्छा, भी ये मेरा पेस्टलिनो का पेयर है माशाल्लाह। ये ब्रीडर पेयर है? जी ये ब्रीडर पेयर है। इसके रिजल्ट में आपको क्या है? इसके रिजल्ट में इंशाल्लाह क्रीमिनोस ही होंगे अल्लाह खैर। मुजम्मल भाई ये वाले? ये अल्बाइनो रेड है, इसका पेयर है रेड टू रेड। रेड टू रेड माशाल्लाह। ये भी ब्रीडर पेयर है? जी ये मेरे घर का तैयार हुआ हुआ पेयर है माशाल्लाह। और ये वाला कोमल लटीनो? ये कोमल लटीनो का पेयर है जी। ये आएगा पोस्टर? ये इधर से भी रात को शिफ्ट की। और मुजम्मल भाई ने आपने बॉक्स नहीं लिया हुआ, ये कौन से बर्ड? ये माशाल्लाह से मेरा है मिस्टियो प्लाइन का जी, उसके साथ बारबलू यूवी की फीमेल है माशाल्लाह। ये वाला? ये मेरा फोस्टर पेयर है माशाल्लाह। ये भी मेरा फोस्टर पेयर है। और मुजम्मल भाई आपके बॉक्स का क्या साइज है? ज़्यादातर तो दूसरे साइड को खुलते हैं या टर्मिनल टाइप होते हैं, आपके ये वाले कौन से? जी मेरा 1 फुट बाय 9 इंच का, 1 फुट यानी इसकी लंबाई है, 9 इंच और 9 इंच की चौड़ाई है। सही, आपने इनके दरवाजे ऊपर रखे हुए हैं? जी इनके दरवाजे मैंने ऊपर रखे हैं ताकि देखने में ना आसानी हो। ईजीली हैचिंग वगैरह लिंग वगैरह आप ईजीली देख सकें? जी बिल्कुल माशाल्लाह। और मुजम्मल भाई ये 25 नंबर पे? ये मेरा अल्बाइनो रेड आई का पेयर है माशाल्लाह। ये सारे आपके ब्रीडर पेयर हैं? जी माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है। ये भी मेरा अल्बाइनो रेड आई। मतलब आपने तो पेयरिंग रेड आई अल्बाइनो की काफ़ी की हुई है? जी माशाल्लाह से बहुत पेयरिंग है मेरे पास अल्बाइनो माशाल्लाह। यानी कि ज़्यादा आपके पास म्यूटेशन से भी ज़्यादा अल्बाइनो रेड आई? जी बिल्कुल अल्बाइनो रेड है इसकी। आपने मार्केट की होटल आइटम जो है वो सबसे ज़्यादा लगाई हुई है? जी मेरी इस पे काफ़ी वर्किंग है माशाल्लाह। और इसके साथ मुजम्मल भाई? ये भी मेरा फोस्टर पेयर है। सही, रेड हुड डॉग। ये मेल रह गया है अल्बाइनो रेड आइज, एक ही पीस है? जी एक पीस है। सही, और ये वाला पेयर? अल्बाइनो रेड आइज। जी ये भी रेड आइज जी माशाल्लाह माशाल्लाह। एग लेइंग पे है और पेयर पे ही है माशाल्लाह। और
और नीचे वाला पेयर वो भी अल्बाइनो रेड है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये क्रीमिनो इनटू अल्बाइनो रेड आई का पेयर है माशाल्लाह। अगर आपके सेटअप को कहा जाए तो अल्बाइनो ज़्यादा कहा जाता है जी, ज़्यादातर अल्बाइनो पे बनती है। ये पार्ब्लू स्प्लिट इनो इनटू अल्बाइनो माशाल्लाह, इसकी मैंने फोस्टर कर दी है। क्रीमिनो की वर्किंग जी माशाल्लाह, क्रीमिनो की वर्किंग है। जी ये मेरा फोस्टर पेयर है जी, बिल्कुल जी, ये भी मेरा फोस्टर पेयर है। तो इसके नीचे आपने फोस्टर ही किया है जी, फोस्टर कर दिया है। तो आपने एक ही किया है अभी, एक किया लेकिन मैं एक आया कि मेरा डीडू डीडी बिलू का मेल है, पाब्लो जुबी की फीमेल है माशाल्लाह। ये आप म्यूटेशन वगैरह है जी, बिल्कुल म्यूटेशन तो माशाल्लाह सारी थे, लेकिन जो एडजस्ट जो पहले के म्यूटेशन पे म्यूटेशन लगा दिया आपने। डीडी बिलू है विद पाब्लो जुबी। और इसके नीचे मुजम्मल भाई ये भी अल्बाइनो रेड आई से माशाल्लाह। ये कहना मुनासब होगा कि आप भी अल्बाइनो वाली सरकार हैं, अल्बाइनो ही अल्बाइनो जी माशाल्लाह, अल्बाइनो काफ़ी है मेरे पास। ये वाला फोस्टर पेयर, फोस्टर पेयर। और सबसे नीचे मुजम्मल भाई ये भी फोस्टर पेयर है। तो नेस्टिंग आपने खुद की थी कि इन्हों को करके? नेस्टिंग मेरे बर्ड ने खुद की है, 10% मैंने कर दी थी बॉक्स में पहले ही। और ये भी फोस्टर है जी, ये भी फोस्टर पेयर है मेरे। और इसके साथ ये जो ये एग्जीबिशन है बजरी का, एग्जीबिशन का एक पेयर और एक बजरी का पेयर है। सही, यानी कि जहाँ से शौक का आगाज होता है। हाँ जी बिल्कुल। और हम कुछ मिस कर रहे हैं जो आपने अवैस भाई से लेके आए हैं, बट वो भी हमें विजिट करना जी। अवैस लियास भाई से मैं जो पेयर लेके आया हूँ उसका मेल ये है जी, ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ये मेल है माशाल्लाह। इसका अभी क्वारंटाइन चल रहा है। सही, लेकिन आप तो ब्रीडर पे ले गए हैं। लेकिन मैं एहतियातन उनको मतलब के क्वारंटाइन करवा रहा हूँ। इसके साथ ये फीमेल है जो नीचे बता रहे थे जी, जो मैं नीचे बता रहा था। ये भी स्प्लिट पेल फेलो है जी, ये भी स्प्लिट पेल फेलो माशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि हमारे बहुत सारे जो नेश की नज़र आते हैं ना, लव बर्ड पर इन्वेस्ट करने से बहुत डरते हैं, लेकिन आपका स्टेटस देख के तो ऐसे लगते हैं आप बर्ड्स के ऊपर पैसे से पैसे ऊपर ही लगा ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह, मुझे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। और देखिए ना, रिस्क तो हर काम में होता है जी, और माशाल्लाह अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सही जी मुजम्मल भाई जी, माशाल्लाह से ये मेरा डव का सेटअप है और साथ ये जावा की कलोनी है। सही माशाल्लाह, रेड पाइट डब लगी हुई है और वाइट सिल्वर। सही फॉन जावा माशाल्लाह, ये रेड पाइट डब है, कुछ चिक्स निकले हुए हैं माशाल्लाह। और ये भी आपकी जो मार्केट की हॉट आइटम है यार। जी बिल्कुल, ये बहुत हॉट आइटम जी माशाल्लाह से। ये बच्चे हैं सारे रेड पाइट डब के, नीचे भी बच्चे हैं, वो थोड़े बड़े हो गए, रंग निकाल रहे हैं अपना, वाइट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो मार्केट में ये बहुत कम मिल रही है जी? मार्केट में तो ये मिल ही नहीं ना रही, एडवांस बुकिंग चल रही है इसकी, वो भी अगर कोई दे दे तो ही है। मेरे पास है क्वालिटी बर्ड। सही माशाल्लाह जी। इसकी वैसे एक पेयर की कीमत कितनी है? ये एक पेयर की कीमत इस टाइम तो ब्रीडर पेयर की जो कीमत है ना वो तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपया। और ये ब्लैक पाइप भी लगी हुई है साथ, इसकी ब्रीडर पेयर की रकम होगी कोई 25,000-20,000। ब्लैक की कम है, रेड पाइट की ज़्यादा। और इसने एक बच्चा भी दिया हुआ है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से ये एक बच्चा भी है। निकाल के दिखा दें। निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको जी माशाल्लाह, आपने 10,000 आदमी पकड़ा हुआ है। जी बिल्कुल माशाल्लाह से, आपने लव बर्ड के कंपेटिटर लगाए हुए सारे। जी बिल्कुल, ये गर्मियों में भी चलता है, फुल गर्मी में भी चलता है। सही माशाल्लाह। तो ये ब्लैक टील वाला है जी, ब्लैक पाइट सॉरी जी, चलो रखते हैं। अच्छा आपके पास टोटल ब्लैक पेयर पाइट कितने हैं और वाइट वाले कितने हैं? मिक्स ही हैं माशाल्लाह से।
टोटल आपके पास 8 पेयर है जी, बाकी चिक्स हैं। मतलब कि आपने कमर्शियल और हॉट आइटम लगाई हुई है इस वक्त जो ऑन डिमांड जा रहा है जी? बिल्कुल, जीन के लिए बेस्ट है टेम्परेचर जी। बिल्कुल, और इधर जो आप पनीर बनी है ये मैंने अपने पैर बनाने हैं। सही, सही, सही। माशाल्लाह, ये जावा है माशाल्लाह, इनकी भी लहिंग आई हुई है सब पेयर्स की। सही माशाल्लाह। और ये तकरीबन टोटल कितने पेयर लगे हुए हैं आपके? ये माशाल्लाह से 60 पेयर होंगे माशाल्लाह। तो सब के सब ही ब्रीडर हैं जी? सब ब्रीडर हैं। तो लहिंग सब ने की हुई है जी? लहिंग तकरीबन सब बॉक्स में है। सही माशाल्लाह। तो ये कलोनी में लगाए हुए हैं, वन बाई वन नहीं ठीक रहते? नहीं, ये कलोनी में बहुत अच्छे चलते हैं। सही माशाल्लाह। और क्या रिजल्ट है पर क्लच में एक पेयर की? रिजल्ट माशाल्लाह से 5 egg, 4 egg, 6 egg, 7 egg। सही जी माशाल्लाह। मुजम्मल भाई की जावा की लिंग आई हुई है ज़बरदस्त माशाल्लाह, सब में तकरीबन सेम है। तो मुजम्मल भाई, इनका ब्रीडिंग सीजन लबड़ के साथ ही शुरू होता है कि अलग अलग टाइम? इनका तकरीबन सारा सीज़न चलता है, 1-2 महीने का रेस्ट आता है इनका। सही माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, नेस्टिंग की हुई है और लेंग काफी है, नेस्टिंग इतनी ज़्यादा की है कि एग नज़र नहीं आ रहे। सही, ये देखिए इसके अंदर हैं जी माशाल्लाह। बल्कि हमने कमर्शियल आइटम सारी रखी हुई जी। बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये कितने बाई कितने का आपने रूम दिया हुआ इन्हें? ये 9x7 का रूम है। ज़बरदस्त सर, आपने जावा और ये पीस छोड़ अपना जी डब और जावा दिया? बिल्कुल। हमें कमेंट में अपनी राय दें कि आपको मुजम्मल भाई का सेटअप कैसा लगा, लव बर्ड का और जावा और डब का। कमेंट में अपनी जरूर राय दीजिए, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी आपको मिलती रहे। और बहुत सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए जी, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।